Ready for नमस्कार। एक बार फिर से आकाशवाणी संगीत सम्मेलन 2008 के इस आयोजन में सभी दर्शकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सबके समक्ष पंडित अनूप दास गुप्ता गिटार वादन प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आपके साथ तबले पर संगति करेंगे श्री देवाशीष सरकार। पंडित अनूप दास गुप्ता का परिचय आप सबसे करा देते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में पंडित अनूप दास गुप्ता का नाम गिटार वादक कलाकारों में अत्यधिक प्रसिद्ध है। आपने अपनी पारंपरिक संगीत शिक्षा अपने पिता संगीताचार्य गोपाल दास गुप्ता से प्राप्त की। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के सुप्रसिद्ध कलाकारों में जैसे पंडित सौमित्र लहरी, पंडित देबू चौधरी और पंडित वीजी जोग ने भी आपको संगीत शिक्षा प्रदान की है। आप उन गिटार वादकों में जाने जाते हैं जिनके संगीत में नवीनता, गायकी, अन्य वाद्यों की तकनीकों का सम्मिश्रण मिलता है। पंडित अनूप दास गुप्ता आकाशवाणी व दूरदर्शन के उच्च ग्रेड कलाकार हैं। आपने आकाशवाणी द्वारा प्रसारित संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में भी भाग लिया है। आपने देश विदेशों में अनेक सुप्रसिद्ध उत्सवों में अपनी कला का प्रदर्शन किया है, जिनमें तानसेन संगीत सम्मेलन, अमेरिका में विश्व बंगा सम्मेलन और पेरिस में संगीत उत्सव शामिल हैं। इन दिनों आप आकाशवाणी कोलकाता में कार्यरत हैं। पंडित अनूप दास गुप्ता के साथ तबले पर संगति करने जा रहे हैं श्री देवाशीष सरकार। श्री देवाशीष सरकार कोलकाता संगीत जगत में अपना एक प्रमुख स्थान रखते हैं। आपने कई गायक एवं वादकों के साथ तबले पर संगति की है। इसके अलावा एकल तबला वादन भी आपने प्रस्तुत किया है। देश के 6 प्रमुख पारंपरिक घरानों में से एक फरुखाबाद घराना से आप संबद्ध है। आपने तबला वादन की शिक्षा देश के 2 संगीत सम्राट पंडित कनाई दत्त और पंडित ज्ञान प्रकाश घोष के सानिध्य में हासिल की। आपने 12 वर्ष की आयु में तबला वादन प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीतकर संगीत प्रेमियों को मंत्रमुग्ध किया। आपने सन 1980 में आकाशवाणी संगीत प्रतियोगिता जीतकर राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक भी प्राप्त किया। श्री देवाशीष सरकार इन दिनों आकाशवाणी और दूरदर्शन कोलकाता में ए ग्रेड कलाकार हैं। ये तो रहा हमारे अतिथि कलाकारों का एक परिचय। पंडित अनूप दास गुप्ता का गिटार वादन अब आरंभ होता है, तो प्रस्तुत है इनका गिटार पर बजाया राग नट भैरव। विलंबित और द्रुत रचना 3 ताल में निबद्ध है।
एक एक मिनट मुझे कितना मिनट हुआ, आधा घंटा हुआ, क्या हुआ टीवी उनकी लाइट जलाने के लिए? अच्छा एक मिनट सुनिए, गैर फैन ही चला क्या रहा, वन मिनट के लिए फैन ही छोड़ दीजिए ठीक है। गिटार पर बजाया ये था राग नट भैरव, विलंबित और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध थी। पंडित अनूप दास गुप्ता गिटार पर अब प्रस्तुत करने जा रहे हैं झप ताल में निबद्ध राग परमेश्वरी। Thank you.
है ना, तानपुरा लेने होगा है, पहले तानपुरा उसके पास है।
ये था राग परमेश्वरी। पंडित अनूपदास गुप्ता अपने गिटार वादन का समापन एक भैरवी धुन से करने जा रहे हैं। ये धुन
सितार खानी ताल में निबद्ध है।
इस भैरवी धुन के साथ ही पंडित अनूपदास गुप्ता का गिटार वादन अब संपन्न होता है। आपके साथ तबले पर संगति की श्री देवाशीष सरकार ने। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन 2008 के इस आयोजन का अब समापन होता है। आज के इस संगीत सम्मेलन में डॉक्टर श्रीमती जी बेबी का कर्नाटक शैली में गायन और पंडित अनूपदास गुप्ता का गिटार वादन प्रस्तुत किया गया। हमें आशा है कि आप सभी दर्शकों ने इस संगीत सम्मेलन का भरपूर आनंद लिया होगा। मुख्य भूमि से इतने दूर इन द्वीपों में आए हमारे अतिथि कलाकार डॉक्टर श्रीमती जी बेबी, श्रीमती मीरा शिवरामकृष्णन, श्री त्रिवेंद्रम वी सुरेंद्रन, श्री कोट्टायम एस मुरलीधरन, पंडित अनूपदास गुप्ता और श्री देवाशीष सरकार का हम आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने अपने गायन और वादन से इस संगीत सभा को अत्यंत स्मरणीय बनाया। और साथ ही साथ अपने सभी दर्शकों का भी हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने यहाँ विराजमान होकर इस आयोजन की शोभा बढ़ाई। साथ ही साथ उन सभी लोगों का भी हम धन्यवाद करते हैं जिनके सहयोग से आकाशवाणी संगीत सम्मेलन 2008 को हम यादगार बना सके। सभी दर्शकों को हम बता दें कि आज के इस संगीत सभा में प्रस्तुत कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग आकाशवाणी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित की जाएगी, जिसे आकाशवाणी का पोर्ट ब्लेयर केंद्र भी रिले करेगा। पंडित अनूपदास गुप्ता का गिटार वादन रविवार 26 अक्टूबर को सवेरे 10 बजे और डॉक्टर श्रीमती जी बेबी का कर्नाटक शैली में गायन सोमवार 10 नवम्बर को रात 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। एक बार फिर सभी अतिथि कलाकारों और दर्शकों का धन्यवाद करते हुए आकाशवाणी संगीत सम्मेलन 2008 को हम यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद।